नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भा शिवानी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधम उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गायें समाप्त हो जाएंगी, तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौमाता को खिलाएगी, वह सदा सुहागिन इन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाए आते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौमाता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें ला देती है, जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है, दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है, तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं, तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृ दोष होता है, तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की साढ़े साती या महादशा है, तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हित कार्य होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है।
कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बोध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विभिन्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांत दी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुना संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं, इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नारी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे आप इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर रखकर गौ माता की जेब से आता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें।